नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेके जो नोटिस आया था तो मैं कहा चलो आपके लिए वीडियो बनाया। तो देखिए बहुत वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश बाकी उत्तर प्रदेश है और ये जो सबसे नई उनकी वो कहते हैं DGM सेक्रेटरी बनी है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, कहीं मेरे पे इससे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन भाई ऐसे ऐसे रूल निकाल रहे हैं ना, पूछो मत। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि भाई आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो उत्तर प्रदेश में तो पहले से हम जानते थे कि जिसको राउंड वन या राउंड टू में UP में सीट एलोकेट भी हुई है वो मॉबअप के लिए एलिजिबल नहीं होता। बाकी हर स्टेट में तो आपने सीट ले के रिपोर्ट करके छोड़ दिया तो भी दोबारा डिपॉजिट दो और आ जाओ, बट UP में अगर आपको एक बार भी सीट एलोकेट हुई थी तो आप मॉपअप का रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे। वहाँ तो ठीक था। एक और नया एंगल निकाल दिया कि अगर आपको यूपी के अलावा किसी भी स्टेट किसी भी काउंसलिंग से अभी तक कोई भी सीट एलोकेट हो चुकी है तो आप यूपी का फॉर्म नहीं भर सकते। अब देखिए टेक्निकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई चेकिंग करने का जरिया है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ना हमें पंगे या रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वैसे तो जितना मैं हिंदुस्तान को समझता हूँ कि इनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो भी बना नहीं है कि क्रॉस चेक करेंगे, पर ना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए एक होता है कि अर्जेंट सिचुएशन है, मरीज सिचुएशन है, जी सर करके देख लेते हैं जा सारा क्या हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, वैसे भी स्ट्रे मॉप अप राउंड चल रहा है, आपकी बार सीट ना मिली तो वैसे ही बच्चे का ड्रॉप है। मेरी बात ध्यान से समझिए, बट यूपी में राउंड तीन में देखिए यूपी इज़ ए गुड स्टेट, 30-31 कॉलेज हैं, काफ़ी सारी सीटें हैं 5,000 के आसपास, तो आपके बहुत सारी देता है। लेकिन यूपी कोई भगवान तो है नहीं, यूपी कोई बहुत सबसे सस्ता भी नहीं है, मतलब जिस बजट में आप यूपी में पढ़ रहे हो उसी बजट में हरियाणा में भी कॉलेजेस हैं, ठीक है यूपी में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, SNM बरेली या शारदा या रोहिलाखंड टाइप के, उससे मुकाबले भी आदेश है ही हरियाणा में या अल्फला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा तो नहीं ना कि यूपी में सीट नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। तो जिसको भी कोई सीट एलोकेट हो चुकी है मेरी सलाह यह है कि वो पंगे ना ले। कल को खाम खाम में कोई क्रॉस चेकिंग हो गई, अभी तो नहीं करेंगे वो, अभी तो उनकी हिम्मत नहीं है, बट एडमिशन के दौरान बाद में कोई खाम खा परेशान हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी स्कोर है और जो भी बजट है सेम स्कोर और सेम बजट में आपको कहीं और भी सीट मिल सकती है। चलो ठीक है भैया, आप कह सकते हो जी यूपी में हमें राजेश्वरी मिल जाता और उसके बदले हमें हरियाणा में NC पानीपत जाना पड़ेगा। वैसे भी अभी यूपी का सीट मैट्रिक्स आएगा, मेरे ख्याल से बहुत सारी सीटें बचेंगी नहीं होंगी TMU को छोड़ के। TMU के अलावा मेरा डाउट है कि किसी भी कॉलेज में 5, 7, 8 से ऊपर सीट होंगी, और पूरे यूपी में मिला के 200 के ऊपर सीटें नहीं होंगी, जिसमें से 55 तो TMU की ही होंगी, मतलब बाकी सब में 5 की एवरेज से ऊपर सीट नहीं बची होंगी। अब उसमें आप क्यों इतना बड़ा पंगा लेना चाह रहे हो, तो और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप 1 तक खर्च कर रहे हो तो आप राजस्थान जा सकते हो, हरियाणा में है साधोपुर है, SGT है, और बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो रूल बेकार है, या तो आप रूल को चैलेंज कीजिए। तो वो एग्जांपल देता हूँ मैं जो कि डिफरेंट है। इस बार पहली बार कर्नाटका का राउंड टू के दौरान फ्रेश रजिस्ट्रेशन खुला था, याद है राउंड वन के रिजल्ट आने के बाद। लेकिन शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि उनमें से किसी भी कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया है सीट अलॉटमेंट के लिए, तो वो सब कंसीडर किए जाएंगे मॉपअप के लिए। पहले नहीं बताया गया था, सब बेचारों ने 2,500 रुपये भर दिए, मैंने भी भरवाए जो मेरे पास फ़ोन आए, और राउंड टू में सीट एलोकेशन में उनको कंसीडर ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि राउंड वन वाले कोर्ट में चले गए कि भैया आपने बीच में रूल क्यों चेंज कर दिया और अब जो नए लोग आएंगे वो हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं आने चाहिए। एक लॉजिक दे दिया उन्होंने कि भैया राउंड वन में हमने फ्री एग्जिट लिया था, अभी ऑप्शन 3 चूज़ करी थी, और अब मुझसे ज़्यादा नंबर के बच्चे आ जाएंगे तो मेरी वाली सीट कोई और खा जाएगा, और कोर्ट ने रोक दिया। तभी कर्नाटका राउंड टू ना 2 दिन डिले हो गया था कि कोर्ट से मिल गया परमिशन राउंड वन वालों को कि जो राउंड टू के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आए थे उनको सीट अलोकेट नहीं की गई है। सोचिए, जी हाँ, राउंड टू में फॉर्म भरा आपने चॉइस फिलिंग करी पर आपको सीट नहीं मिली, क्योंकि सीट मिली है सिर्फ राउंड वन से पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जो कर्नाटका का ओरिजिनल रूल है उन्हीं बच्चों को मिली है। राउंड टू में जिसने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया कर्नाटका में उसको अभी तक सीट अलोकेट राउंड टू में नहीं हुई, चाहे आपके जितने मर्जी मार्क्स थे। तो कोर्ट्स एक्चुअली काम करती हैं। आजकल का दिन है आपके पास, आप यूपी वाले भी जा सकते हैं कि भैया ये ऑल इंडिया और अदर स्टेट का रूल आप अचानक से क्यों ले आए, हमने सीट अलोकेट कराई थी कहीं और क्योंकि हम कुछ देख रहे थे बट हमारा मन यूपी में लेने का, तो आप कर सकते हो, बट अगर रूल आप चेंज ना करा पाओ तो पंगे मत लो। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग इस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर से एक अजीब चीज़, आपको एक तरह से नया रजिस्ट्रेशन करके 1,000 रुपये देने हैं। दैट मीन्स आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, आपको अभी तक कोई सीट यूपी से नहीं मिली,
तो बाकी हर स्टेट में क्या होता है, आप अपने आप आगे बढ़ रहे हो चुपचाप से, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, MCC हो, बट UP में आपको 1,000 रुपये देने हैं। पहले रजिस्ट्रेशन फीस थी 2,000, अब है 1,000 रुपये। पर ऐसा भी नहीं खाली 1,000 रुपये देने हैं, तो अभी आप होम पेज पर जाओगे, आप सीधा पे रजिस्ट्रेशन फीस पर जाओगे ना, तो पहले से वो आपसे सारे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भरवाएगा, आपसे 10-12 की मार्कशीट अपलोड कराएगा, जैसे बाकियों से कराता है जब लास्ट टाइम आपने किया था। हाँ, और जिसने डिपॉजिट दे रखा है उससे भी डिपॉजिट नहीं मांग रहा, ठीक है, लेकिन आपको 1,000 रुपये देने हैं और 5 मिनट का काम है, क्योंकि UP का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे सिंपल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगता, सिंपल से 10-12 की बस मार्कशीट चढ़वाता है, और अगर कोई आपकी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट चढ़वाता है, लेकिन बाकियों की तरह दुनिया भर के ड्रामे नहीं करता। आसान है फॉर्म भरना, भर लीजिए, तो ये एक खास चीज़ है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमने 1,000 रुपये कहाँ से देने हैं, कहीं पर कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो आप पे रजिस्ट्रेशन मतलब दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, प्रैक्टिकली जो होम पेज पर दिखाई देता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, फिर आएगा पे रजिस्ट्रेशन फीस देना, 1,000 रुपये मांगेगा इसके बाद, वो देखे जब आप सिक्योरिटी फ़ी पे करने की कोशिश करोगे तो बता देगा कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। अगर आप पुराने हो और नए आए हो इस बार तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, सीधा 1,000 रुपये दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, ठीक है। जिनको सीट मिली थी, नहीं ली थी, जाके रिज़ाइन करें, उनके 2,00,000 रुपये डूब चुके हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1,000 रुपये देंगे, फिर 2,00,000 या 30,000 रुपये भी देंगे या 1,00,000 रुपये देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप MBBS ले रहे हो, BDS ले रहे हो या सिर्फ सरकारी ले रहे हो। और फिर से मैं ये कहूँगा कि या तो रूल चेंज करा लो अगले 2 दिन में जाके कोर्ट में, जैसा कर्नाटका वालों ने करा लिया है, नहीं करा सकते हो तो फिर पंगे मत लो, और भी बहुत ऑप्शंस हैं सीट लेने के लिए, पूरा हिंदुस्तान अभी खाली है, ठीक है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और हमसे काउंसलिंग कराना चाहें अभी भी तो 9643362320 पे कॉल कीजिए, फर्स्ट कॉल भी हमारी चार्जेबल रहती है, 2,500 रुपये बात करने के, 5,000 रुपये मिलने के। और अब अक्सर हमारे पास वही लोग आ रहे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स और सीट नहीं मिली, तो हम एक फ्लैट 50 से 75,000 रुपये ले रहे हैं अपना चार्जेस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे जाके सीट ले रहे हैं। तो जहाँ पर हम आपकी नेगोशिएशन में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहाँ हमारी फीस 75,000 रुपये फ्लैट है और नॉर्मली 50,000 रुपये है। ओके, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो और अभी भी आपको अच्छी सीट मिले। टक, बाय बाय।